आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने उनके लिए इनवाइट करेंगे पूनम सेठी आंटी को। पूनम आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जैसे अभी पूरा जो शब्द कीर्तन चल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और ऐसे मुझे सब जो गुरु जी के दरबार में कैसे हम जाते थे, कैसे यही सब शब्द कीर्तन वहां पर चलते थे, बिल्कुल वो मोमेंट रिलिव कर पा रही थी मैं। तो गुरु जी के आश्रम का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने आज मुझे इस सत्संग को सुनाने के लिए चुना। और मैं आपको बताऊं, आज सुबह मेरे एक कॉलीग हैं, किसी दूसरे कॉलेज में हैं, उनका बेटा कुछ 5-6 दिनों से बहुत ज्यादा बीमार था और आईसीयू में एडमिटेड भी था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज प्रे करो। और संगत जी, आप मानेंगे, मैंने गुरुजी के सामने ही खड़े होके 3-4 दिन पहले जब उन्होंने मुझे कहा था, तो मैंने हाथ जोड़ के गुरुजी को प्रे किया था कि गुरुजी आप बच्चे के ऊपर कृपा करो। और आज जब उनका मुझे मैसेज आया कि मेरा बेटा अब आईसीयू से बाहर आ गया है और उसको रूम में शिफ्ट कर दिया है और वो काफी स्टेबल है अब पहले से, तो मैंने मन में ये सोचा कि मुझे अब गुरुजी को किस तरह से शुक्राना करना है। और शाम को ही मुझे विक्रम जी का फोन आता है कि आज आपको सत्संग करना है। तो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं गुरुजी ने सुबह मेरी बात सुनी और मुझे आज मौका भी दे दिया कि मैं गुरुजी का शुक्राना करूं। और आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहूंगी गुरुजी के साथ, जो हमारी शुरू हुई 1998 में। ये जर्नी शायद पहले भी शुरू होना हो सकती थी, लेकिन संगत जी, हर चीज का एक वक्त होता है, एक समय होता है, और उसी वो वक्त आने पर ही आपका ऐसे गुरु से मिलान होता है जो आपके जीवन को तर देता है और एक किनारे लगाता है। तो जब 98 में हम गुरु जी के पास गए, मैं और मेरे हस्बैंड, तब तक ऐसा था कि हमारी शादी 91 में हुई थी और तमाम कोशिशों के बावजूद हमारे कोई संतान नहीं थी और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को हम दिखा रहे थे। और इस प्रकरण में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जिन्होंने प्ले किया, वो मेरे हस्बैंड की मामा जी थे, जिनका गुरुजी ने बाईपास जो है बाईपास कर दिया था, यानी कि उनका बाईपास होना था। और वो गुरुजी के दरबार में जब बैठे थे तो गुरुजी ने उनको कहा, जा मैं तेरा बाईपास किता। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में ये बात बता रही हूँ, लेकिन वो इतना बड़ा कल्याण गुरुजी ने उनका किया था उस वक्त में। और अगले दिन जब वो हॉस्पिटल एडमिट हुए तो डॉक्टर्स हैरान, वो कहते कि आपको किसने कहा है बाईपास के लिए, आपको तो कोई बाईपास की जरूरत नहीं है। और वो घर वापस आ गए थे। और वही मामा जी हमें करीब 2 साल से कह रहे थे लगातार कि आपको गुरुजी के पास जाना है, पर संगत जी वो मौका ही नहीं बन पा रहा था। लेकिन 98 में हम श्रीनगर से, एक पोस्टिंग मेरे हस्बैंड की हुई हुई थी, तो हम वहां से वापस लौटे। और जैसे ही हम घर पहुंचे तो मामा जी वहां पहुंच गए और उन्होंने बोला कि आज तो मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा। और गुरुजी तब एम्पायर एस्टेट में बैठते थे, तो हम उनके साथ चले और हम वहां पहुंचे। और एम्पायर एस्टेट में हमने देखा कि गुरुजी उस दिन नीचे ही कारपेट पे बैठे हुए थे, अपने आसन पे नहीं थे। और मामा जी ने मुझे इशारा किया कि जाओ गुरुजी के मत्था टेक लो। तो जैसे ही मैं मत्था टेका तो गुरुजी ने बोला कि पूछा कि की गाल है। तो मैंने फिर उनके पास जाके थोड़ा धीरे से बोला कि गुरुजी आई एम चाइल्डलेस। तो गुरुजी ने कहा कि हाजिरी लानी पड़ेगी, बस उन्होंने इतनी बात कही। और हम फिर वहां पर
बैठ गए, हमने लंगर किया, हमारे लिए सब कुछ नया था, लेकिन आने वाले समय में वो धीरे धीरे वी स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मतलब हमारे, क्योंकि गुरु जी ने हमें साथ में ये भी कह दिया कि आप हफ्ते में एक बार आओ, और चूंकि मेरे हस्बैंड की ड्यूटीज चेंज होती रहती थी तो शायद हमारे लिए रोज आना पॉसिबल भी ना हो पाता, तो गुरु जी अपने आप ही सब चीजों को देख लेते थे. उनको सब चीजों का पता था कि कौन कितना कितनी बार आ सकता है, कैसे है, और उन्होंने ऐसा बनाया कि हमारे लिए बहुत इजी हो गया कि हम हफ्ते में एक दिन गुरु जी के दरबार में पहुंच जाते थे. और जब भी जाते थे तो गुरु जी का पहला सवाल आता था, तेरा तेरा की नाम है, तो मैं अपना नाम बोलती थी तो फिर वो कहते थे अच्छा बैठ जा. और मैं हर बार सोचती थी कि कब तक गुरु जी मेरा नाम ऐसे ही पूछते रहेंगे. तब संगत जी हमारे को, कुछ सीनियर संगत जो संगत में थे, उन्होंने बताया कि जितनी बार आपका नाम लिया जाता है आपकी आपकी एक तरह से कहो हाजिरी लगती है, गुरु जी के दरबार में आपकी हाजिरी लगती है. और गुरु जी आज की डेट में हमारे लिए आज मतलब हम जानते हैं कि हम कोई और स्वरूप भगवान का नहीं जानते, हम गुरु जी को ही अपना भगवान मानते हैं. और जिस और जब भी हमने गुरु जी को अपनी कोई भी प्रेयर लगाई, कोई भी अपनी रिक्वेस्ट दी है, वो वैसे ही पूरी हुई है जैसे कि खुद कोई प्रभु के अवतार आपके किसी भी प्रॉब्लम को हल करें, आपके ऊपर कृपा करें. और जैसे जैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपको भी ये बात समझ में आएगी कि गुरु जी की कितनी कृपा अपनी संगत पर है. तो जब 98 में हमने जाना शुरू किया और हम जाते रहे, तो बीच में थोड़ा सा ऐसे हुआ कि एक दिन एक अंकल वहां पे होते थे, पुरानी संगत होती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे हर बार पूछते थे एनी गुड न्यूज, और मैं हर बार उनको बोलती थी कि नहीं अंकल कुछ भी नहीं है अभी तक. तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा, लगभग साल बीतने को था, सवा साल हो चुका था, उन्होंने मुझे कहा कि चल मैं तेरे को गुरुजी के पास लेके चलता हूँ. और वो काफी क्लोज थे गुरुजी के. और संगत जी आमतौर पे आप गुरुजी की तरफ देख पाना एक संगत के लिए आसान नहीं था, क्योंकि गुरुजी के चेहरे पे बहुत नूर होता था और गुरुजी की निगाहों से निगाहें मिलाने में मुझे तो उस टाइम पे बहुत डर लगता था. और पता नहीं क्यों डर लगता था, और कई बार ऐसे भी लगता था जैसे पता नहीं हमने दिन भर में हमने कोई अगर कोई गलती भी करी होती थी ना, तो ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी उसको देख पा रहे हैं और हमें खुद अपने आप से एक शर्मिंदगी सी महसूस होती थी. तो ऐसा लगता था कि जैसे स्कैनर चल रहा है और आपका पूरा एक्सरे हो गया है. तो मैं और वो अंकल जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचे तो अंकल ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी इस पर कुछ कृपा करो, ऐसा कल्याण करो. तो गुरुजी ने अंकल को तो कुछ भी नहीं कहा, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और गुरुजी ने कहा बड़ी आई है अप्रोच लान तोड़ जाए थो. और गुरुजी ने ये बात कही और मैं तो वहां से सरपट भागी और बाहर ही जाके मैंने खड़े होके, मेरा तो बहुत दिल धड़क रहा बहुत तेजी से. और तभी अंदर से अंकल आए और उन्होंने मुझे बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, अभी बेटा तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया है, तो आपको अभी हाजिरी लगानी है, पर चिंता मत करो कल्याण होगा. तो संगत जी मन में तरह तरह के विचार आते थे, और कई बार जो एक टिपिकल इंसान की एक फितरत होती है, कई बार होता था कि पता नहीं गुरु जी कब कृपा करेंगे नहीं करेंगे, क्या रहेगा. और कई बार गुरु जी मुझे ऐसे भी बोलते थे, जब मैं गुरु जी के को मत्था टेकती थी तो गुरु जी कहते आ गई कंफ्यूज्ड माइंड. फिर एक दिन गुरु जी ने मेरे को कहा कि ये क्रेडिट कंट्रोल की होता है, की पढ़ांदी है, क्रेडिट कंट्रोल की होता है. और मैं मतलब आई वॉज वर्चुअली फंबलिंग, मुझे
याद ही कुछ ना आए कि क्या होता है क्रेडिट कंट्रोल और क्या बोलना है, और इससे पहले मैं कुछ बोलने का प्रयास करती, गुरुजी ने कहा जा फेल है, जा कंफ्यूज्ड माइंड फेल है। फिर मैं वहां से आ गई और मन में बड़ा लगा कि कहने को तो मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ और देखो मुझे क्रेडिट कंट्रोल की डेफिनेशन नहीं याद आई। और ऐसे गुरुजी ने मेरे साथ कई बार किया कि बिल्कुल सामने सामने मेरे से कुछ भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछ लिया, मनी सप्लाई पूछा, क्रेडिट कंट्रोल पूछा, और हर बार मुझे फेल कर दिया। और ये बात बहुत बाद में हमें समझ में आई कि गुरुजी को किस बात का जवाब देना है। गुरुजी तो एक्चुअली ही वाज हिमसेल्फ एमए इकोनॉमिक्स, तो गुरुजी तो बहुत ही पढ़ाई लिखाई तो गुरुजी की अपनी बहुत ही अच्छी थी, और उसके अलावा वो हम लोगों से ऐसे थोड़ा मजाक करते थे, और हमारा मतलब बेस्ट तो यही होता था कि आप चुपचाप वहां से हट जाओ, अटेम्प्ट मत करो इस तरह के जवाब देने का। और इस तरह से ये हमारा जो हाजिरी लगाने का जो दौर था वो चलता रहा। और मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि जब तक गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया आगे चल के बच्चे से, उस दौरान हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा था। उस दौरान में हमारे जीवन में बहुत सारी और चीजें थी जो रुकी हुई थी, जैसे कि मेरी परमानेंट अपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटी में, अपॉइंटमेंट एक बड़ा पॉलिटिकल प्रोसेस होता है और कई बारी जॉब को परमानेंट होने में काफी टाइम लग जाता है, तो मेरा काफी टाइम से टेम्प्ररी अपॉइंटमेंट चल रहा था। लेकिन जिस दिन जब मेरे यहाँ परमानेंट अपॉइंटमेंट हुआ, तो एक दिन पहले मैं गुरुजी के दरबार में गई, मत्था टेका, तो गुरुजी ने कहा जा हो जाएगा तेरा। और संगत जी, जैसा कि गुरुजी ने कहा, इट वॉज अ केक वॉक इन द सेंस कि कैंडिडेट्स बहुत थे, लेकिन मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और सब फेवर में थे, और फाइनली मेरा परमानेंट अपॉइंटमेंट हो गया। 98 की ही बात है ये। और उसके अलावा हम एज अ यंग कपल, हम लोगों ने अपनी एक फर्स्ट हमने फ्लैट भी खरीदा, दैट वाज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी आई वुड से। तो ये तो बहुत मेटीरियलिस्टिक चीजें हैं, आई एग्री, लेकिन गुरुजी के दरबार में हमारे जैसे जो आप कहिए कि तुच्छ प्राणी होते हैं, वो ऐसी ही अपनी इच्छाएं लेकर जाते हैं और इन्हीं को हम अचीवमेंट समझते हैं। और सच मानिए तो जो एक जो असली जो होनी चाहिए इच्छा, वो ये होनी चाहिए प्रभु को पाने की, वो आपको शायद ही कभी उस लेवल पे जा पाना शायद हमारे जैसे लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन गुरुजी आपको सब तरह से आपका कल्याण करते हैं, छोटी से छोटी जरूरत सब तरह से आपका कल्याण करते हैं। तो जब ये सब चल रहा था, एक दिन का आपको मैं इंसिडेंट बताती हूँ कि जब हम घर से चले तो मैंने ना पहली बात ये बोली कि आज ना मेरा हलवा खाने का मन नहीं है, और गुरुजी बहुत हलवा अपने हाथ से बांटते थे, इतना होता था कि हम दोनों हाथों से उसको लेते थे, और इंस्ट्रक्शन ये होती थी कि आपको वहीं खाना होता है तो वहां खाओ, तो वो आपके लिए काम करता था और वहीं खाना होता था पूरा का पूरा हलवा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तो क्या गुरुजी ऐसा क्यों नहीं करते कि कभी कभार कुछ और भी खिलाएं। और संगत जी, टू माय सरप्राइज, जैसे ही मैंने वहां पर एंटर किया एम्पायर स्टेट में, तो पूरे में इतनी अच्छी एक महक आ रही थी, और मैंने जैसे ही मुड़के वहां देखा तो थाल में पूरे समोसे लगे हुए थे, और गुरुजी ने उस दिन पूरी संगत को गर्मा गर्म समोसे खिलाए। और मुझे लगा कि कितनी कितनी छोटी सी मेरी इच्छा गुरुजी ने आज पूरी करी है, और मैं मन ही मन बहुत ही मुस्कुराई। और इस तरह के हम बहुत आपस में इस तरह की हम बातें किया करते थे कि आज गुरुजी का चोला किस रंग का होगा आज, और जिस दिन गुरुजी का चोला और हमारी ड्रेस जो हम घर से पहन के आते थे वो मैच करती थी, तो हमें
बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं प्रसन्नता होती थी, और ऐसा लगता था जैसे कि पता नहीं हमने क्या पा लिया। तो ऐसा ये सब चल रहा था, और संगत जी मैं बताऊं कि मेरा ट्रीटमेंट भी ही चल रहा था। गुरुजी ने मुझे नहीं कहा था कि आप अपना ट्रीटमेंट बंद करो, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना ट्रीटमेंट जारी रखो। तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उसी दौरान, 2000 के मिड की बात है, कि मेरे हस्बैंड का MBA में सिलेक्शन हो गया इंडियन ऑयल की तरफ से। तो वो रेजिडेंशियल कोर्स था और इनको जाना था। तो मुझे बड़ी चिंता हुई कि हमारा तो ट्रीटमेंट भी चल रहा है और गुरुजी के दरबार में भी जाना होता है, तो ये तो मैं शायद अकेले ना कर पाऊं, क्योंकि काफी डिस्टेंस था। और चूंकि दरबार शाम को लगता था तो वापसी में काफी देर हो जाती थी, तो रात को मेरे लिए तो पॉसिबल शायद ना हो पाता अकेले आना जाना उस टाइम में। अब तो मैं ड्राइविंग वगैरह सब कर लेती हूँ और उस तरह से काफी दिल्ली की सड़कों का हमें खूब ज्ञान है, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगी ये सब चीजें। और मैंने इनको बोला कि आप नहीं करो ये MBA। तो इन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करते हैं कि गुरुजी से पूछ लेते हैं। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा ये आइडिया कि हम गुरुजी से पूछ लेते हैं, और मुझे बड़ा विश्वास था कि पता नहीं मुझे क्यों इतना विश्वास था कि गुरुजी ना मेरी ही बात रखेंगे। तो जब हम मत्था टेक का हमने, और इन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसे मेरा MBA में सिलेक्शन हो गया है तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं इनके पीछे खड़ी थी। तो गुरुजी ने कहा कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, आपको जाना चाहिए जाना चाहिए। तो जवाब मिल गया मेरे हस्बैंड को तो, लेकिन गुरुजी ने साथ में ही देख लिया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे ही गुरुजी ने कहा जाना चाहिए, मेरे दिमाग में आया लो इसका मतलब अब एक साल और कोई कहानी नहीं होने वाली है, क्योंकि ना तो ट्रीटमेंट चलेगा ना दरबार में आएंगे, और वैसे भी ये रेजिडेंशियल कोर्स में रहेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है, जब साथ रह रहे हैं तब नहीं कंसीव कर पा रहे, तो ये तो जब चले जाएंगे तो मैंने क्या ही कंसीव करना है। मन में आया यानी कि एक साल दो साल गुरुजी के दरबार में आते हुए हो चुके हैं, यानी कि एक साल अभी और कुछ नहीं होने वाला, ये सब मेरे दिमाग में चला। और मैं मत्था टेक रही हूं और गुरुजी ने मुझे कहा कि जा तेरा कल्याण कितना। तो मुझे समझ नहीं आया इसमें मेरा क्या कल्याण हो गया कि ये तो चले जा रहे हैं, लेकिन वो संगत जी बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया कि मैंने विद इन 15 डेज आई टेस्टेड पॉजिटिव फॉर प्रेगनेंसी। तो आप सोच सकते हैं कि वो मेरा ऑलमोस्ट 9th ईयर ऑफ मैरिड लाइफ था और मैंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया था, और इतनी एक्साइटमेंट थी, और उस एक्साइटमेंट में मैंने इनको जब बताया, इन लॉज के साथ शेयर किया, तो सब बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी घर में, और हमने सोचा कि हम तुरंत जाके ना गुरुजी को इस बारे में बताते हैं। तो पहला मौका लगते ही हम लोग गुरुजी के दरबार में पहुंचे, और अभी हम गुरुजी तक पहुंचे ही थे और हमने सोचा हम गुरुजी को बताते हैं, तो गुरुजी ने हाथ उठा के बोला हल्ले किसी नु निदासना। तो संगत जी मैंने तो किसी को बताया नहीं वहां पर, ना किसी को पता था, लेकिन गुरुजी को तो सब पता था, और जो उन्होंने कल्याण कित्ता जो कहा था उसका अर्थ उनको तो पहले से ही पता था। और हम जैसे मैं कहूं कि हमें इतना बिल्कुल बिल्कुल भी हमें समझ ही नहीं थी बात की, और हम अपना सोच रहे हैं कि हम जाके गुरुजी को बताएंगे, लेकिन गुरुजी तो जानी जान, वो तो सब जानते थे, उन्हीं का तो सारा प्लान था। तो जब हमें गुरुजी ने मना कर दिया कि हल्ले किसी ने दस ना, तो हम फिर वहां चुपचाप बैठ गए, और इस तरह से दरबार में आते रहे। लेकिन अराउंड 6th मंथ जब मेरा था, तो गुरुजी ने एक दिन, और संगत जी ऐसा कई बार होता था गुरुजी के दरबार में कि गुरुजी उस दिन सत्संग कराते थे। नॉर्मल कोर्स में सत्संग नहीं होता था, हम आपस में कभी कभार ऐसे बैठ के आपस में सत्संग कर लें दो चार लोग तो एक अलग बात होती थी, लेकिन जो
कभी कभी गुरु जी ऐसे बहुत सारे लोगों को बारी बारी से कहते थे कि तुम अपना सत्संग सुनाओ, ताकि सारी संगत जो वहां होती थी वो उसको सुन पाती थी। तो वो वैसा ही एक दिन था जिस दिन सत्संग चल रहा था, बहुत सारे लोगों का सत्संग हुआ और गुरु जी ने मुझे भी एकदम से बोला आज तुम भी अपना सत्संग करो पूनम आंटी। और तब मैं खड़ी हुई और मैंने जब शेयर किया तो वो बहुत ही एक सुंदर मोमेंट था मेरे लिए कि जो गुरुजी से मुझे ब्लेसिंग मिली है मैंने उसको संगत के साथ शेयर किया एंड एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी और बड़ा ओवरवेलमिंग मोमेंट था। तो हमारी जीवन की जो पहली जो मेरी मतलब जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड है ही वाज देन बोर्न ऑन जनवरी 31 2001। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया बेटे से और जब मैं वो थोड़ा दिन बीत गए तो जैसे हम 40 डेज के बाद अब हमने सोचा हम गुरुजी के पास जाते हैं इसको लेकर, तो हम गुरुजी के पास लेकर गए और जैसे हमने कहा कि गुरुजी इसको ब्लेस करो तो गुरुजी ने ब्लेस किया और गुरुजी ने साथ में मुझे कहा कि पूनम आंटी एक मुंडा और ले ले। अब मुझे तो संगत जी बहुत ही लगा कि गुरुजी मजाक कर रहे हैं क्या, कि ये तो अभी इतना छोटा सा बच्चा है और थोड़ा सा ये प्री टर्म भी था तो थोड़ा वीक था और जो मुझे पता है कि हॉस्पिटल जाने का जो इतना प्रक्रिया रहती है वो काफी टायरिंग होती है। तो मैंने सोचा कि नहीं मुझे तो ऐसा दोबारा नहीं चाहिए, मैं कहाँ जाऊंगी दोबारा दोबारा हॉस्पिटल या मुझे बार बार कहीं ट्रीटमेंट के लिए या इस बच्चे को छोड़ना होगा, तो मैंने तो हाँ कही ही नहीं बिल्कुल भी और मैं ऐसे बस उसको उठाया और मैं जाके पीछे बैठ गई। और संगत जी जितनी बार उसके बाद मैं आती थी, जितनी बार हम गुरु जी के दरबार में जाते थे गुरु जी मुझे एक ही बात बोलते थे पूनम आंटी एक मुंडा होर ले ले, फिर ना कहीं एक मुंडा होर ले ले। तो मेरी तो हिम्मत बनी नहीं क्योंकि एक ही बच्चे के साथ हमें, और दूसरा ये भी मुझे लगता था कि हमारे साथ और भी बहुत सारे ऐसे कपल्स थे जो सिमिलर जिनकी इशू था और कुछों को तो मेरे साथ ही गुरुजी ने ब्लेस किया लेकिन फिर भी कुछ कपल्स थे जिनको तब तक ब्लेसिंग्स नहीं मिली थी। तो मुझे ये लगता था कि नहीं गुरुजी पहले सबको ब्लेस कर दें, और जबकि हमें मतलब बिल्कुल भी इस तरह की अकल नहीं थी कि गुरुजी के पास तो इतना है देने के लिए कि उनके पास कोई कमी थोड़ी है, वो तो जिसको जब देना चाहते हैं जब जिसका जो सही वक्त है वो उसको दे सकते हैं। तो ये बात कई बार चलती रही ऑलमोस्ट लाइक आई वुड से इसके जो मिडिल ऑफ द ईयर था 2001 के। तो मेरे हस्बैंड की ऐसे हुआ कि इनकी पोस्टिंग हो गई कैलकटा। अब उस टाइम पे थोड़ा सा घर की स्थिति इस तरह थी कि मेरे इन-लॉज थोड़े से बीमार थे और मेरा बेटा भी छोटा था और मेरी जॉब चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था कि मैं इनके साथ जा पाती। तो मैंने इनको कहा कि आप रिक्वेस्ट कर लो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कि भई आपकी पोस्टिंग कैंसिल कर दें, लेकिन इन्होंने बहुत प्रयास किया, काफी हायर अप्स को रिक्वेस्ट करी, सब तरह के रिप्रेजेंटेशन दिए लेकिन इनकी पोस्टिंग का हम कुछ कर नहीं पाए। तो फाइनली जब ये हो गया कि शायद हमें जाना ही पड़े, तो मैंने कहा चलो एक बार गुरुजी के पास जाके मत्था टेक लेते हैं, तो आप तब चले जाना, एक दो दिन में उनको जाना था। तो हम जब गुरुजी के पास पहुंचे हमने मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा कि इन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे मुझे जाना है कलकत्ता जाना है। तो गुरुजी ने कहा हाँ हाँ जाओ मच्छी खाओ भात खाओ। तो इन्होंने कहा पर गुरुजी मैं तो खाता नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो गुरुजी ने कुछ कहा नहीं। तब तक मैंने मत्था टेका और गुरुजी ने कहा कि नमंटी एक मुंडा होर ले ले। तो वो दिन मैंने पहली बार बड़ी हिम्मत करके गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप तो कह रहे हो कि पोस्टिंग पे चले जाओ और आप अब मुझे कह रहे हो कि एक मुंडा होर ले ले, तो ये होगा कैसे। तो फिर गुरुजी ने इनकी तरफ इशारा किया, एट द टाइम
एक टेक्निकल इशू हो गया है, तो ये वापस आए तो गुरु जी ने कहा कि चाह तेरी पोस्टिंग कैंसिल, और ए कह रही है दी, मतलब कि मुंडा मतलब पंजाबी में थोड़ा मेरी बैड है पंजाबी, तो उन्होंने कहा कि ये कह रही है कि मेरे मतलब मुंडा किवें होवेगा अगर तुम चले जाओगे तो वहां पर, तो तेरी पोस्टिंग ना कैंसिल कर दी। अब हमको कुछ समझ बात इतनी तो आई नहीं उस टाइम पे, हमने कहा पोस्टिंग कैसे कैंसिल हो जाएगी, हमने तो देख लिया था कि सब कुछ हमने जुगाड़ लगा लिया था, कुछ नहीं हुआ था। अब हम अपना फिर अपने घर आ गए, रात को काफी लेट हम घर आए। सुबह उठे तो मेरे हस्बैंड को तब फोन आया इनके हेडक्वार्टर से किसी सीनियर ऑफिशियल का, कि उन्होंने कहा कि अभी तो फिलहाल ना आपकी पोस्टिंग हमने अबेंस में कर दी है, मतलब रोक दी है, आप ऐसा करना कि आप अब जहां पर आप काम कर रहे हो वहीं काम करते रहो। तो हमारे लिए तो हमें तब तो जाके समझ में आया कि कल रात जो गुरुजी ने कहा उसका क्या ही अर्थ था। तो जो हमने सारे सिस्टम को हिला के अपनी तरफ से कोशिश कर ली थी, वो गुरुजी के खाली कहने भर से वो फाइल पता नहीं संगत जी कहाँ गई और क्या हुआ उसका हमें नहीं पता। लेकिन ये था कि उसके बाद ये 2-3 साल तक दिल्ली में ही रहे, और जो गुरुजी को मैंने कह दिया था कि गुरुजी किस तरह होगा, तो वो भी मुझे बहुत जल्दी देखने को मिला। जैसे ही मेरा बड़ा बेटा साल का हुआ तो उसी टाइम मैंने दोबारा से कंसीव किया, एंड दिस टाइम संगत जी बिना कोई डॉक्टरी इंटरवेंशन के, बिना किसी भी मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ नहीं, जैसे एक नॉर्मल कपल कंसीव कर सकता है करता है, वैसे ही मैंने कंसीव किया अपने दूसरे बेटे को। और फिर उसकी फिर वो 2002 के एंड में पैदा हुआ, तो दोनों में करीब 1 साल 10 महीने का डिफरेंस है। तो आप सोच सकते हैं संगत जी कि गुरु जी जब कल्याण करते हैं तो कितना उनका सब प्लान्ड वे में होता है, और हम उसको विजुअलाइज भी नहीं कर सकते हैं, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, और वही जानते हैं कि वो वक्त और समय और किसको क्या चीज कब देनी है, कब किसका कल्याण करना है। इट इज लाइक इट इज अ वेरी बिग पिक्चर, और हम उसको कहीं पर भी हमारा सोच ना तो जा सकती है वहां पर, ना हम कभी उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो जैसे मतलब आप मन में कुछ भी धारते हैं और वो हमें प्राप्त होता है जब उसका वक्त आता है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं ऐसा ट्रीटमेंट कितने सालों से, एंड बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स ऑफ दिल्ली गंगाराम के जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं फर्टिलिटी के, दे वर डूइंग आवर ट्रीटमेंट, तो उनको भी समझ नहीं आता था कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, किस तरह आ रही है। और गुरु जी ने जब ब्लेस करना था तो उन्होंने ऐसे ब्लेस किया कि मेरे दोनों बच्चे मुझे एक एक साल, मतलब 2001 में एक और 2001 में एक और 2002 में दूसरा बेटा दिया, जो कि अब गुरुजी की कृपा से बड़ा बेटा मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है और छोटा वाला थर्ड ईयर में है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो दोनों पे गुरुजी की बहुत कृपा है। तो ये तो हमारा जो एक, इसे मैं बोलूंगी जो हमारा जो मेन पर्पस था जब हम गुरुजी के पास गए थे, तो वो था संतान प्राप्ति, और वो तो गुरुजी ने हमें दे ही दी। और उसके बाद तो हम बिल्कुल ऐसा होता है कि फिर तो इतने हम जुड़ गए गुरुजी के साथ कि हर समय गुरुजी जैसे अंग संग सोच में विचार में, हर समय हमें लगता था कि गुरुजी हमारे साथ ही होते हैं, और हम एक अलग तरह की बेफिक्री जीवन में आ जाती है जब गुरुजी का साथ आपके साथ होता है। आपको पता है आपकी प्रॉब्लम्स सब उनकी प्रॉब्लम्स है, वो आपको आपका ध्यान वो कर रहे हैं, आपको चिंता करने की कुछ जरूरत नहीं। ऑल दैट यू नीड टू डू इज, जो वहां पर भी अक्सर गुरुजी कहते थे कि
जैसे आप चप्पल बाहर उतारते हो तो वहीं पर अपनी बट परंतु लेकिन किंतु अगर उतार के आओगे तो यहाँ पर जिस सरेंडर की भावना से आप दरबार में आओगे तो उसी तरह का आपको प्राप्ति भी होती है। तो यू हैव टू हैव दैट ट्रस्ट, यू हैव टू हैव दैट फेथ। और ये हमने अपने ही साथ नहीं देखा, वहां पर आई तमाम जो संगत होती थी, और छोटा बड़ा अमीर गरीब, वो सबका भी कोई डिफरेंस नहीं था। हमने वहां पर एयर वाइस मार्शल्स को देखा, हमने वहां पर चीफ मिनिस्टर्स को देखा, हमने वहां पर बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट को देखा, फिल्म स्टार्स को देखा, सब आते थे और सब वही बैठ के वैसे ही लंगर सब मिलकर करते थे। एक ही थाली में तब कम लंगर होता था, चार लोगों का लंगर चलता था। तो हमने देखा है कि ये चीज सिर्फ हम कहें कि हमारे साथ हुई, लेकिन हम यहाँ देखते थे कि लगातार लोगों के साथ इतना कल्याण होता था, लोगों का इतनी बड़ी बड़ी चीजें उनके जीवन में होती थी, जिसका सत्संग जब हम सुनते थे तो हमें तब पता लगता था। तो गुरुजी तो सबके साथ, सबके अंग संग, पता नहीं कितने लोगों का कल्याण करते करते जा रहे थे। तो ये जो हमारा एक फेज था, जो फर्स्ट फेज था, बहुत बढ़िया चल रहा था। 2004 में, 2003 में सॉरी, मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग हो गई बॉम्बे। तब मेरे दोनों बच्चे छोटे थे और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं एकदम इनके साथ जा पाती, क्योंकि मेरी तो जॉब चल रही थी यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड 2003 में बॉम्बे चले गए और ये बीच बीच में आते थे, और वी वर समहाउ मैनेजिंग, कभी इन लॉस के पास, कभी कैसे करके मैं मैनेज कर रही थी। तो 2004 में एक बार जब ये दिल्ली आए तो गुरुजी ने इनको कहा कि तू एनानू अपने नाल लेके जा, और नहीं तो मैं एक मुंडा होड़ दे दूंगा। तो हमारी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, और हमने कहा कि अरे ये तो अब तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। पर संगत जी, जब गुरु जी ने कहा ना कि एनानू नाल लेके जा, तो उसका जुगाड़ भी गुरु जी ही करेंगे। ये नहीं है कि वो हम कुछ करने वाले हैं, उसका भी कुछ ऐसा प्लान गुरु जी के दिमाग में है कि वो हम उस समय हमें नहीं पता लगा। तो गुरु जी ने कहा कि एनानू भी नाल लेके जा। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि दो तीन बार जब पीछे जब मैं जा रही थी गुरु जी के पास, तो एक दिन गुरु जी ने मेरे से ऐसे पूछा कि पीएचडी का क्या फुल फॉर्म होता है। और मैं अपनी तरफ से सोचूं कि मैं बोलती हूँ कि डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, तो इससे पहले मैं बोलती तो गुरु जी कहते एदा मतलब होता है पागल होने का डर। तो मैंने कहा पागल होने का डर, तो मेरे को बहुत हंसी आई कि ये तो कोई एब्रीविएशन का फुल फॉर्म नहीं है। लेकिन ये बात हमें बहुत समय बाद समझ में आई कि पीएचडी जो करते हैं ना लोग, अक्सर हमने देखा है कि या तो वो कंप्लीट नहीं होती, और अगर वो कंप्लीट होती है तो वो बड़े सालों में कंप्लीट होती है, और अगर वो बहुत सालों में कंप्लीट होती है तो जो कर रहा होता है पीएचडी ना, उसका आधा दिमाग तो मतलब आप माने हैं कि वो आधा पगला चुका होता है जब तक उसकी पीएचडी खत्म होती है। मतलब ये एक थोड़ी हाई लेवल की डिग्री होती है और कठिन होती है अगर आप खुद ही से कर रहे हो इसको। तो गुरु जी ने दो तीन बार ऐसे मुझे हिंट, मुझे लगता है कि जैसे हिंट दिया मुझे। तो मैंने मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसा करती हूँ कि पीएचडी का एनरोलमेंट ट्राई कर लेती हूँ। तो संगत जी, हमारे यूनिवर्सिटी में एक प्रोविजन है जिसमें कि हम पीएचडी लीव ले सकते हैं, जो कि फुली पेड लीव होती है। तो मैंने अप्लाई किया और सेम एफर्ट मैंने करीब 98-99 में किया था, और मुझे नहीं मिल पाया था और फिर मैंने छोड़ दिया था। तो मैं फिर दोबारा से जब ये गुरुजी की आज्ञा मिली कि एनानू नाल लेके जा, तो जब मैंने तब ट्राई किया तो मेरा एक महीने में, जो कि पता नहीं बहुत ही यूनिक है, एक ही महीने में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, और एक ही महीने के अंदर अंदर मेरे को कॉलेज से छुट्टी भी सैंक्शन हो गई।
जो कि अपने आप में एक बड़ा जद्दोजहद होती थी, क्योंकि ये फुल्ली पेड लीव होती है और इतनी इजी नहीं होती है, और इसके ऊपर 10% की कैपिंग होती है, तमाम तरह की टेक्निकलिटीज होती हैं। मगर जब गुरुजी ने भेजना था तो भेजना था, तो ये सब चीजें तो ऐसे हो गई, जैसे मुझे खुद ही आज मैं सोचू तो मुझे आज तक विश्वास नहीं होता कि वो मतलब कैसे मैनेज हो गया सब कुछ। और विद इन अ मंथ मैं इनके साथ बॉम्बे चली गई, और मेरी जो मेजर पीएचडी वर्क है वो बॉम्बे में सिचुएटेड है, पार्शियली दिल्ली में भी सिचुएटेड है। तो मेरी पीएचडी जो चल रही थी गुरुजी की कृपा से, और संगत के काफी लोग बॉम्बे भी आते थे हमारे घर, और उन्होंने ही हमें बताया, संगत के ही जो लोग हमारे यहाँ आए उन्होंने बताया कि गुरुजी ने हमें आदेश दिया है कि जाके पूनम आंटी से मिलकर आना। तो संगत जी हमें इतनी खुशी होती थी कि हम गुरुजी के विचारों में मन में अभी भी हैं, जबकि हम इतनी दूर बैठे हैं। और हमें कई बार ऐसे लगता था कि अरे हम गुरुजी से अब उस तरह नहीं मिल पाते जैसे हम मिल पाते थे जब हम दिल्ली में थे, लेकिन गुरुजी तो सबके साथ हैं। वो गुरुजी के लिए डिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है, गुरुजी तो हर समय आपके साथ हैं। तो ऐसा हुआ कि अगर आप लोगों को याद हो कि 2005 में जो बहुत मैसिव फ्लैश फ्लड्स आए थे मुंबई में, उसमें मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस से तो निकले लेकिन वो घर तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि चारों तरफ इतना पानी हो चुका था कि उन सबकी गाड़ियां पानी में डूब चुकी थी। जो लोग ऑफिस में गाड़ी छोड़ आए उनकी गाड़ियां वहां पानी में डूब गई, जिनकी गाड़ियां हमारे कॉम्प्लेक्स में खड़ी हुई थी घरों के वहां पर उनकी गाड़ियां डूब गई। और ये कहीं रास्ते में थे तो मैंने इनको फोन करके ये बोला कि मेरा सजेशन तो ये है कि आप घर आने की कोशिश ना करें, और जहां कहीं भी आपको सेफ लगता है ना आप वहां गाड़ी कहीं पे खड़ी कर लें, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। और संगत जी मतलब मैं तो एक्चुअली विटनेस हूँ, इतना वहां पे पूरा डार्कनेस हो गई, कोई लाइट नहीं कुछ नहीं, और नीचे आधी बिल्डिंग पानी में भीगी हुई है और पानी मतलब डांस कर रहा है वहां पे। आपको ये नहीं पता कि नाला कहाँ है, किधर को मोड़ है, किधर दरवाजे हैं, कहाँ है, कुछ नहीं पता लग रहा है। एक अजीब सी मतलब जैसे आप समुद्र में हमारी बिल्डिंग खड़ी हुई। तो मैंने इनको बोला कि आप घर मत आना। और गुरु जी ने कुछ ऐसा प्रोविजन किया कि एसवी रोड पे एक कोई थोड़ा हाईएस्ट पॉइंट था जहां पे पानी नहीं था, एक बस के साथ इनको अपने जगह मिल गई। और इन्होंने मुझे जो लास्ट कॉल किया तो इन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे एक ना सेफ जगह मिल गई है, और अगर पानी ज्यादा बढ़ा तो मैं हम लोग गाड़ी से निकल के हम लोग बस के ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे। तो और उसके बाद मेरा फोन डेड हो गया, क्योंकि वहां पर चार्जिंग का कुछ भी स्कोप नहीं था, लाइट बहुत देर से जा चुकी थी। रात भर मुझे नहीं पता इनका इनकी रात कैसे बीती, गाड़ी में बैठे थे बस पे चढ़े कहाँ गए, मगर मैं गुरुजी की फोटो के ही आगे बैठी रही पूरी रात। और नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड जब पानी सबसाइड कर गया तो ये लोग लौटे, और इन्होंने तब मुझे बताया कि ये लोग बहुत ही मतलब बहुत, अगर ऑफिस में 100 गाड़ियां हैं तो मुश्किल से कोई 2 गाड़ियां होंगी जो ठीक रही होंगी, पानी में नहीं भीगी, और उसमें से एक इनकी अपनी गाड़ी थी, जो कि इन्होंने कहा कि पता नहीं गुरुजी ने कैसे मुझे वो स्लॉट लेके दे दिया। और मैं वहां सारी रात रहा, और बहुत सुबह सुबह सारे मुंबई वाले जो थे वो आ गए थे चाय बिस्किट वगैरह लेकर, और इन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ध्यान किया और अब पानी वानी सब उतर गया था तो ये घर आ गए। तो गुरुजी ने उस समय हमारी बहुत रक्षा करी, और बहुत लोग जो गाड़ियों में सोए उस अगले दिन सुबह वो उठे ही नहीं वहां पर, क्योंकि शीशे बंद थे और वो कुछ तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो गई, वो लोग बहुत वहां पे डेथ्स हुई। बहुत लोग जिन्होंने हिम्मत करी कि भाई हम पैदल चल के चले जाते हैं, वो नालों में बह गए, और बहुत डैमेज हुआ था लाइफ को उस टाइम में। तो गुरु जी ने बहुत कृपा करके बिल्कुल सेफ एंड साउंड इन्हें रखा उस रात, और ये अगले दिन लौटे। तो ये सब चीजें जब चल रही थी तो उसी दौरान मेरी पीएचडी भी कंप्लीट हो गई, और
मैं दिल्ली आई पीएचडी सबमिशन के लिए, तो ये 2006 की बात है। हाँ 2006 की बात है, मैं आई दिल्ली और मेरा सबमिशन था पीएचडी का। तो गुरुजी के दरबार में हम लोग गए थोड़ा 11 जुलाई 2006 से, थोड़ा पहले की बात है, एक दो दिन पहले की बात है। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बुला के कहा कि गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो आई उस दिन। तो मेरे हस्बैंड की ने टिकट बुक करा रखी थी जल्दी जाने की, तो अब गुरुजी का मगर हुक्म हो गया, तो इन्होंने कहा कि अब तो मुझे ना पोस्टपोन करानी पड़ेगी टिकट। तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा होगा, मेरा 11 को सबमिशन है प्री पीएचडी, तो आप मेरे को जरा हेल्प करो ये प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने में। तो इन्होंने मुझे हेल्प करी, और उस दिन जब गुरु मेरा सुबह प्रेजेंटेशन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सबने बहुत तारीफ भी करी। और उसके बाद हम शाम को गुरु जी के दरबार में चले गए, गुरु पूर्णिमा थी। और मेरे हस्बैंड ने अपना फोन, जैसे हम कर देते हैं, अपना फोन बंद कर दिया था, मंदिर में गए थे। जब हम मंदिर से बाहर निकले तो मेरे हस्बैंड ने जैसे ही फोन ऑन किया तो देखा इन्होंने कि उसमें तमाम मिस्ड कॉल्स थी इनके कोलीग्स की जो बॉम्बे में रहते हैं वो। तो इन्होंने जो पहला नंबर मिला उसको फोन किया कि भाई इतने फोन कॉल्स क्यों कर रहे हो तुम मुझे, तो कहते कि तुम हो कहाँ। तो आकाश ने बताया कि मैं तो दिल्ली में ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, तो बहुत ही कमाल हो गया कि तुम दिल्ली में ही हो, यहाँ तो बहुत ज्यादा मतलब बवाल हो गया है। फिर तब हमें पता लगा कि वहां सीरियल ब्लास्ट हुए थे और बहुत लोग उनकी जाने गई थी। तो पता नहीं आप संगत जी देखिए ये कितना आश्चर्यजनक है कि गुरुजी ने ऐसा इंश्योर कर लिया कि ये वहां गए नहीं और ये दिल्ली में ही थे। तो हम मतलब कितना गुरुजी अपनी संगत के बारे में सोच के रखते हैं, कितना उनको हर समय सेव करते हैं, कितना उनके ऊपर कृपा अपनी बनाए रखते हैं। तो ये कोई इसमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आप मान के चलो कि वो हैं तो आप हो, वो आपकी पूरी रक्षा कर रहे हैं, पूरी आपका हर समय वो आपका ध्यान रख रहे हैं। तो ये तो इंसिडेंट मतलब इतना क्लियर इंडिकेटर है इस बात का। और ये बात हो गई 2007 की। उसके बाद हम दिल्ली आ गए 2006 की, सॉरी 2007 में मेरी फुल पीएचडी सबमिट हो चुकी थी, मेरी छुट्टी खत्म हो गई थी और इनकी भी पोस्टिंग दिल्ली वापस हो गई। तो हम सपरिवार हम लोग दिल्ली आ गए और करीब कोई 30 मई को 2007 हम गुरुजी के दरबार गए थे। और उस दिन जब हम वहां गए तो गुरुजी ने जैसे हमें, हमारा बड़ा मन था कि हम ना वहां बैठे जहां पर गुरुजी के पास, लेकिन तब तक ना संगत इतनी बढ़ चुकी थी कि गुरुजी का आदेश था कि जितनी भी पुरानी संगत है ना वो ऊपर जाके बैठेगी, वो बिल्कुल हमारे सामने नहीं। उन्होंने कहा कि जो नई संगत आती है ना उनको इधर मेरे पास बैठने दो, तुम लोगों को तो अब ठीक है, तुम लोग बहुत समय हो गया आते हुए, तुम्हें समझ होनी चाहिए, तो तुम ऊपर बैठ के ध्यान करो। तो बड़ा मन मायूस सा हुआ, मैं ऊपर जाके बैठ गई और मन में ही मैं सोचने लगी कि गुरुजी अपने पास आज बिठा लेते तो कितना अच्छा होता। तो इतने में ही संगत जी सिंगला अंकल आए और उन्होंने मुझे बोला कि आपको ना गुना आंटी गुरुजी बुला रहे हैं नीचे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि अभी तो मैंने अर्जी लगाई थी और अभी अभी कबूल भी हो गई। और तब मैं जाके नीचे बैठी और बिल्कुल हम गुरुजी के चरणों में बैठे और अच्छे से गुरुजी को निहारा और वहीं पे लंगर किया। और ऐसा लगा कि जैसे बहुत सालों के बाद ऐसे दर्शन गुरुजी के हुए जिसमें हम गुरुजी को बिल्कुल नजदीक से देख सके। और संगत जी वो मतलब उस दिन पता नहीं गुरुजी ने बुलाया और अगले दिन ही गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। और वो चीज हमारे लिए तो एक्सेप्ट करना ही बड़ा मुश्किल था और मेरे ख्याल से वो उस समय में सारी संगत के लिए एक बड़ा डिफिकल्ट टाइम था। और ये समय के साथ ही हमें समझ में आया और गुरुजी कहते भी थे कि मेरे शरीर से मत प्यार करो, मेरे शरीर से, लेकिन
पता नहीं कभी भी ये बात नहीं समझ में आती थी, क्योंकि हम तो सोचते थे कि गुरुजी तो हमारे सामने बैठे हैं, ये तो हमेशा ऐसे ही हमारे पास होंगे। हमने कभी वो सिचुएशन ही नहीं विजुअलाइज करी कि कोई ऐसा दिन भी हो सकता है जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं होंगे। तो हमें बड़ा टाइम लगा वो स्विच ओवर करने में कि गुरुजी फिजिकली नहीं है बट गुरुजी अभी भी उतने ही हमारे साथ हैं। बस हमको कनेक्शन हमें बनाए रखना है। और उस हिसाब से मैं सोचती हूँ जो अब जो संगत आती है वो कितने विश्वास के साथ आती है, वो कितने उनके मन में कोई बट परंतु लेकिन किंतु है ही नहीं, वो तो गुरुजी को इसी फॉर्म में जुड़े हैं। तो उनके लिए तो मैं कहूंगी कि थोड़ा ज्यादा अच्छा भी है, ज्यादा आसान भी है। और हम लोगों के लिए हमने वो दोनों जो स्विच ओवर था हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन वो बहुत जल्दी हमें समझ आने लगा कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी यहीं हैं। और 2013 में मैं एक बहुत सिग्निफिकेंट इंसिडेंट है ये लाइफ का, इसलिए मैं बताना चाहूंगी जबकि थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है मेरे ख्याल से। मेरे हस्बैंड एक पार्टी में गए हुए थे, और वैसे मैं उनके साथ उन पार्टीज में नहीं जाती थी वो, क्योंकि वो उनके अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ होती थी, तो मैं अक्सर अपना अवॉइड करती थी क्योंकि बच्चे भी छोटे थे। तो पर उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं आज तू भी चल, सब तेरे बारे में पूछते रहते हैं तो तू भी चल। तो मैंने भी कहा अच्छा मैं चली जाती हूँ, और मैं उस दिन इनके साथ गई। तो अब मुझे समझ में आता है कि कितना गुरुजी ने उस दिन, मतलब ये भी एक प्लान ऑफ एक्शन था। तो मैं उस दिन गई और हम लोग वहां पे सब खा पी के थोड़ा डांस वांस कर रहे थे, तो एकदम से ना मेरे हस्बैंड जो है इनकी तबीयत कुछ खराब सी हुई है, जाके साइड में लेट गए, बैठ गए, मतलब पहले तो बैठे, फिर मैंने इनको देखा और मैंने इनसे जाके पूछा कि क्या हुआ। कहते पता नहीं चक्कर सा आ रहा है और ठीक सा नहीं लग रहा। तो पर मैंने सोचा शायद थक गए होंगे या कोई शायद ड्रिंक ले ली है जो ये वैसे नॉर्मली नहीं पीते, तो शायद इसलिए लग रहा है इनको। तो पर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि ये वहां बैठे बैठे ये लेट गए। और फिर मैंने एक वहां पर, संगत जी आप कोइंसिडेंस देखिए कि उस दिन वहां पर इनके ग्रुप में एक डॉक्टर साहब थे जो गंगाराम में डॉक्टर हैं, इनके बैचमेट हैं, उन्होंने इनको देखा और उन्होंने कहा कि सेठी मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसने कहा ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, अगर तुम 5 मिनट तक ठीक महसूस करोगे तो ठीक है, नहीं तो यू हैव टू यू नो गो बाय माई वर्ड्स। तो इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उसके 2 मिनट के बाद ही इनको वॉमिट हुआ। और मुझे भी लगा कि इनकी तबीयत कुछ एकदम से ही बहुत रैपिड फायर चेंज हो रही है। तो उन्होंने डॉक्टर ने मुझे कहा कि नहीं मैं इनको लेके जाऊंगा गंगाराम। तो उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि क्यों, क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या है। उन्होंने तुरंत अपना ड्राइवर बुलाया और अपनी गाड़ी में डाला और हमको लेके वो भागे। और उन्होंने पूरे रास्ते भर में ही सारा कोऑर्डिनेशन कर दिया, उन्होंने ईसीजी के लिए सब इंस्ट्रक्शंस दे दी और उन्होंने एक कार्डियोलॉजिस्ट को भी फोन कर दिया, कार्डियक सर्जन को। और ये सब रास्ते में ही हमारे हो गया। और रात का वक्त था करीब 11 बजे का, हम सीधे हॉस्पिटल पहुंचे और इनका ईसीजी हुआ जो कि बहुत ही खराब था। तो डॉक्टर्स ने इमीडिएटली कहा कि इनको ऊटी लेके जाएंगे, ऊटी में ले गए और वो कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि इनको तो हार्ट अटैक, मतलब एक इनकी पूरी की एक वो मुझे अब टर्म नहीं याद रहा है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है एंड ही इज हैविंग अ हार्ट अटैक। संगत जी मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आया कि ये क्या एकदम से क्या हो गया है और मुझे क्या करना है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। और तभी डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया और उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसे ऑपरेट, मतलब स्टेंटिंग करनी पड़ेगी, इट इज वेरी क्रिटिकल। तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने इनके डॉक्टर फ्रेंड को बोला, उन्होंने बोला हाँ करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि ठीक है आप करिए। मीनवाइल मेरे हस्बैंड जो अपना, जब आप उनका सत्संग सुनेंगे तो वो बताते हैं कि कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे आई एम गोइंग टू अनदर वर्ल्ड। और मेरे मन में विचार आ रहा है कि आज तो मेरी गुरुजी से मुलाकात होने वाली है।
और कहते हैं कि मुझे वहां दिखाई पड़े गुरु जी। और मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी आज के अपने पास आपने बुलाया है, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी ने मुझे कहा कि अपनी औकात इच रह। अब ये उन्हीं के शब्द हैं मेरे हस्बैंड के, कि उन्होंने कहा कि अपनी औकात इच रह, जो कम है तेनू दिता ही है वो कर अभी, हल्ले तेरे मतलब मतलब अभी तेरे को वो सब काम करने हैं। एंड देन ही सेड कि मेरे को सडनली ऐसे कॉन्शियस में हो गया, मतलब मेरी कॉन्शियस एकदम ये जो सेंसेस हैं इनकी वो वापस से आ गई। और कहते हैं देन आई कुड हियर डॉक्टर्स टॉकिंग, और डॉक्टर्स ये सब बात कर रहे हैं कि अच्छा हार्ट अटैक आया है एंड ही इज लकी टू हैव यू नो अराइव्ड इन टाइम और ही शुड बी ओके देयर आफ्टर। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं कि अब तो वैसे भी गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया है, तो ये तो अब सब चीजें एक फॉर्मेलिटी हैं। तो एनीवेज इनका स्टेंटिंग वगैरह हुई और 2 दिन बाद ये घर वापस आए। लेकिन आप भी जानते हैं संगत जी की किस तरह से ये एक बहुत ही टच एंड गो सिचुएशन होती है। अगर यही स्थिति घर में बनी होती तो शायद, जैसे कि एक टिपिकल टेंडेंसी होती है, बंदा सो जाता है, बंदा कहता है मैं रेस्ट करूंगा, मैं सो जाऊंगा। लेकिन बाकायदा गुरु जी ने ऐसा बनाया कि वहां पर वो डॉक्टर दोस्त भी था, और ऐसे वक्त वो सिचुएशन हुई कि उसका इलाज भी हो गया, और गुरु जी की कृपा से उसके बाद से ये थोड़े से अपनी सेहत के प्रति भी जागरूक हो गए। और गुरु जी की कृपा देखिए बिल्कुल बनी हुई है हमारे परिवार के ऊपर, और वो हम हर समय महसूस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था सत्संग के, कि किस तरह मैंने आज इतनी छोटी सी अरदास गुरु जी को लगाई थी 2-3 दिन पहले, और गुरु जी ने वो भी मेरी पूरी करी। तो गुरु जी तो हर समय हमारे साथ हैं। मेरे अपने ब्रदर्स के भी इनसे वो हैं, सत्संग हैं, उनको उनके भी किस तरह से गुरु जी ने उनकी जान बचाई, किस तरह से एक रोड एक्सीडेंट में गुरु जी के ही आश्रम से लौट रहे थे, एक गाड़ी ने हिट किया और गाड़ी पे ही बुरा डैमेज आया मेरे ब्रदर भाभी इनके ऊपर, मतलब गुरु जी की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। तो इंसिडेंट्स और ये बताएं तो बहुत सारे कल्याण गुरु जी के हमारे परिवार पर हैं, तो जिसका तो मैं जितना भी शुक्राना करूं वो बहुत कम है। लेकिन कहना कहूंगी जरूर कि गुरु जी आपके अनंत बे अनंत शुक्र कृपाओं के लिए, कल्याण के लिए, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, सारी संगत की तरफ से शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।